टर्किश कंपनी शहर की सफाई सुथराई में नाकाम, नाकस कारकर्दगी खुलकर सामने आ गई, रोजाना 300 से ज्यादा शिकायत। MDLWMC भी आग बगोला, अलबराक और ओस पार्क पर 2 करोड़ रुपए जुर्माना, बहुत हो गया, अब जिम्मेदारों को सामने लाएंगे। MD फरुख बट। पाँच हजार फीस लेने वाले स्कूलों को फीसों की 20% वापसी के लिए 31 दिसंबर की डेडलाइन, फीसें वापस ना करने वाले स्कूलों की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर देंगे सूबाई वजीर तालीम की वार्निंग। उसातिज़ा को कम तनख्वाहें देने वाले स्कूल की रजिस्ट्रेशन भी मुअत्तल होगी। गर्मियों की छुट्टियों की फीसों में से 50% आइंदा फीसों में एडजस्ट होगी। फीसें रिफंड करने पर प्राइवेट स्कूल 5% इजाफा कर सकते हैं। डॉक्टर मुराद रास की गुफ्तगू। बच्चों की सालाना 3 लाख फीसें देने वालों के खिलाफ FBR इन एक्शन, गैर रजिस्टर्ड अफराद की बैंकों से तफसीलात लेना शुरू कर दी। स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में फीस अदा करने वालों का फीस वाउचर का डाटा इकट्ठा किया जाने लगा। मरहलावार गैर रजिस्टर्ड अफराद को टैक्स नेट में लाकर रिकवरी की जाएगी। जराए बढ़ती हुई आबादी की रोकथाम के लिए नई पॉपुलेशन पॉलिसी, फैमिली प्लानिंग के लिए मौजूद जोड़ों को इंटरनेट पर रजिस्ट्रेशन का फैसला। फैमिली प्लानिंग बारे सूबे के 5 जिला में पायलट प्रोजेक्ट का आगाज, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत खुशहाल घराना क्लिनिक कायम किए जाएंगे। बहबूद आबादी पंजाब के मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी, पंजाब हुकूमत का 22 अजला में बहबूद आबादी के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का फैसला। कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती 3596 मुलाजमीन की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की असम्बली, वजीर आला को इरसाल। महकमा बहबूद आबादी की पंजाब असम्बली में महकमाना रिपोर्ट जमा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और कायमा कमेटियों की तश्कील का मामला, वफाक के बाद पंजाब में भी बड़े ब्रेक थ्रू का इम्कान, मामला तफाहमों तफहीम के साथ हल करने पर इत्तफाक। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान आज मुज़ाकरात होने का इम्कान, हमजा शहबाज ने मुशावरत के लिए पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया। सनसनीखेज सियासी मैच में खिलाड़ी का छक्का लगाकर जीत, PP 68 जिमनी इलेक्शन में नून लीग अपनी नशेस्त हार गई। PTI के मालिक असद खोकर 17,579 वोट लेकर कामयाब, मुस्लिम लीग नून के राना खालिद कादरी 16,892 वोट लेकर हार गए। PTI कारकुनों का जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े, घुड़ डांस का भी मुजाहरा। खिलाड़ी कप्तान परवारी, मलिक असद खोकर ने अपनी जीत का इत्मीनान कर दी, कहते हैं मेरा इम्तिहान शुरू हो गया, मुझे अब हल्के में खदमत करनी है। एजाज चौधरी की ख्वाजा साद रफीक पर तनकीद, कहा लोहे का चना रेत की बोरी से भी नाकिस साबित हुआ, लीगी कयादत चोरी डकैती में मुलविस है, पाई पाई का हिसाब लेंगे। उमर डार बोले जिमनी इलेक्शन में जीत तब्दीली का नतीजा है, नैब में शेर की हकीकत से आवाम को बाखबर किया। पंजाब असेंबली में भी मलिक असद खोकर की जीत का जश्न, मियां महमूद रशीद और दीगर अरकान ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। कल का इलेक्शन रेफरेंडम था, जिमनी इलेक्शन में तख्ते लाहौर के दावेदार नून लीग को चित कर दिया। सूबाई वजीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद तहरीक इंसाफ की कामयाबी पर खुश। PP 68 में मुस्तरद वोटों की तादाद ज्यादा है, नून लीग के राना खालिद कादरी की रिटर्निंग अफसर को दोबारा गिनती करने के लिए दरख्वास्त, मलिक असद खोकर की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी ना करने की इस्तदा। नून लीग के लिए एक के बाद एक परेशानी, अब राना सनाउल्ला की बारी। साबिक वजीर कानून पंजाब नैब के रडार पर, राना सनाउल्ला पर फैसलाबाद में अंडरपास का नक्शा तब्दील कराने का इल्जाम, अंडरपास का रूट तब्दील करके मनपसंद अफराद को करोड़ों का फायदा पहुंचाया। जराए पंजाब असेंबली के अरकान के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर का कोई कानून नहीं, खादम आला ने यह कानून पास ही नहीं होने दिया।
ख्वाजा बरादरान चीख रहे हैं कि हमें खाने को कुछ नहीं मिल रहा। वो लूट मार करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हुए हैं, कोई पिकनिक मनाने नहीं गए। फयाजुल हसन चौहान का फिर वार, बोले हमजा शहबाज को भी इल्म है कि वो भी गिरफ्तार हो जाएंगे। इदारे जिसको भी तलब करें पेश होना पड़ेगा। कंपनीज तश्कील देकर और पुरकशिश तनख्वाहों पर अफसरान की तैनाती को सियासी रिश्वत के तौर पर इस्तेमाल किया गया। ब्यूरोक्रेसी पर सियासी इशराफिया के असरात गुड गवर्नेंस के लिए मौत की घंटी है। अफसरान की तैनाती से सिविल सर्विस के ढांचे को नुकसान पहुंचा। सियासी तौर पर नवाज कर अफसरान की वफादारियां हासिल की गई। पब्लिक सेक्टर कंपनी से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का अबूरी हुक्मनामा जारी। एलडीए बजट की मंजूरी के लिए तैयार। वजीर आला की जेर सदारत गवर्निंग बॉडी के इजलास में मंजूरी ली जाएगी। एलडीए का 20 अरब, वासा का 16 अरब और टीपा का 1 अरब रुपए का बजट पेश किया जाएगा। 3 हफ्ते कबल वजीर आला ने बजट मुस्तरद किया गया था। इमरजेंसी में आने वाले मरीजों का ख्याल रखना हॉस्पिटल के अमले का फर्ज है। मरीज को खून लगाते वक्त उसे चेक करना जरूरी है। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में सेमिनार से खिताब। जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें? मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें? मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ नहीं। जो गुजारी ना जा सके हमसे, हमने वो जिंदगी गुजारी है। जो हूँ जॉन एलिया हूँ जनाब, जमाने की तलखियों और बेअतनाइयों के बेनकाब करते बागी शायर जॉन एलिया की 87वीं सालगिरह। लाहौर अजायब घर में पंजाब आर्ट्स काउंसिल के जरिए तमाम नुमाइश। क्वेटा से आए 13 आर्टिस्टों के फन पारों की नुमाइश। कैनवस पर बिखरे खूबसूरत रंगों से इंसानी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं की अक्कासी।